देखो बीमारियों के दो कारण होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक कारणों को टालने के लिए आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ता है, माने जिनको जेनेटिक बीमारियां होती है। बाह्य कारणों में सबसे बड़ा हमारी लाइफस्टाइल होती है, फिर खान पान और बाकी सब चीजें होती हैं, उनको काफी हद तक टाल सकते हैं। अंदर का जो कारण होता है ना, उस पर विजय पाने के लिए आपको बहुत अधिक तप करना पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपको योग करने से, आप कभी बीमार नहीं होते। दूसरी बड़ी, आपके मन में कभी निराशा नहीं आती। ये मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से बात कह रहा हूं। सुबह उठ करके जो एक बार प्राणायाम कर लेगा, ध्यान कर लेगा, व्यायाम कर लेगा, वो उत्साह से भर जाता है। मैं बोलता हूं ना, फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज हो जाती है। एक घंटा योग करने का ऐसा नियम ले लो कि चाहे प्रलय हो जाए मैं योग नहीं छोड़ूंगा। एक घंटे का योग, उसमें कम से कम 10 से 20 मिनट का व्यायाम, आसन आदि, आधा घंटे का कम से कम प्राणायाम और 3 से 5 मिनट का ध्यान। ये इतना कर लिया ना, तो लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस में, जिसकी मैं रोज बात कर रहा हूं कि योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में हम जीने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो हायर कॉन्शियस में जिएगा वो आशावादी होगा, वो निराशावादी नहीं होगा, फिर उसके जीवन में अपने आप ही शुभ घटित होता ही चला जाएगा। उसके भीतर उत्पादकता होगी, सृजनात्मकता होगी, रचनात्मकता होगी, वो इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, उसके जीवन में पुरुषार्थ होगा, पराक्रम होगा, उसके जीवन में दया होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, सहानुभूति होगी, विवेक होगा, प्रकाश होगा, पुरुषार्थ सब तरह का, माने अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाती। तो ये कितनी बड़ी चीज है ये। और देखो, योग का एक छोटा सा अंश होता है व्यायाम, एक्सरसाइज। मैंने देखा जो एक्सरसाइज नहीं करते वो नेता, वो अभिनेता, वो उद्योगपति इतने बुरे हाल में रहते हैं। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर। और अब तो मैं देख रहा हूं जवान जवान नेताओं को, अभिनेताओं को, जवान बेटा बेटियों को, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है। अभी पिछले 2 सालों में सैकड़ों लोगों की घटना मैंने अपने आंखों से देखी है, कान से सुनी। कुछ लोगों को मुझे भी फोन करना पड़ता है, जवान बेटा बेटी की मौत हो रही है। किससे? हार्ट अटैक से। मैं अपने जीवन की सुरक्षा तो सबसे पहली है, जिंदगी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। ये जिंदगी नहीं रहेगी तो जीवन ही नहीं होगा, तो और होगा क्या? इसलिए कहा धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम, पहला सुख निरोगी काया। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय होती है। मेरा शरीर जरा सा भी 1 ग्राम भी वजन बढ़ा तो मैं उसी दिन उसको कंट्रोल करता हूं। इसलिए मैं बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के, वेट से लेकर के, स्ट्रेस से लेकर के, और तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी विकार हैं वो अपने आप नष्ट होते रहते हैं। आप योग करो, अनुशासित जीवन, सोने का, जागने का अनुशासन, योग का अनुशासन, खाने का अनुशासन। ये मैं जीता हूं वही कह रहा हूं आपसे, मैंने अनुशासित जीवन जिया है और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप जिए। कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, मैं भोजन में अतिक्रमण नहीं करता। किसी ने अत्यंत आग्रह किया हो तो 1-2 ग्रास तो खा सकता हूं, बाद में हाथ जोड़ लेता हूं, जी देखो आपका प्यार मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जय आप मुझ पर ही अत्याचार मत कीजिए, आप ज्यादा हाथ जोड़ लेता हूं बाकी और क्या करो। नहीं तो साहब, जिसके घर में 2-4 लोग प्यार करने वाले हो उनको खिला खिला के इतना मोटा तगड़ा कर देते हैं। बोले जी क्या करूं, पत्नी बहुत प्यार से खिला देती है और खाते रहते हैं। कुछ तो ना पत्नियां इतना प्यार करती हैं, अपने बच्चों की तरह अपने पति को खिलाती हैं, अजी मेरे हाथ से खा लो। फिर वो
पति पत्नी को खिलाता है और दोनों ऐसे मोस्ट अंडे हो जाते हैं। फिर बच्चों को खिला खिला के है? फिर आपस में थोड़ा जिनसे प्यार होता है, हम भी किसी को खिलाते हैं तो प्यार से एक ग्रास तो खिलाते हैं, अगला नहीं खिलाते। ये कोई मतलब हुआ? मुझसे प्यार करने वाले तो लाखों करोड़ों भाई बहन हैं, और आप में से भी जितने बैठे हैं हजारों के घर में तो मैंने भोजन किया है, लेकिन किसी ने मुझे इस मामले में जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, अभी भी मेरे को कम से कम 50 किलो तो खाने का सामान दे दिया होगा सुबह उतरते ही। कोई लड्डू लेके आए, कोई पता नहीं क्या, कोई आम लेकर के आए, कोई और प्रसाद लेकर के आए। अब मैं सोचो मैं ये खाना शुरू कर दूं तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए तुम जो भी मेरे लिए लेकर के आते हो उसमें से थोड़ा सा मैं जरूर खा लेता हूं। तुम एक पेटी आम लेके आए तो एक आम तो तुम्हारी पेटी का जरूर खा लेता हूं, बाकी गुरुजी खाते हैं, बाकी ब्रह्मचारी खाते हैं। ये देने वाले होते हैं ना, इनके मन में बड़ा रहता है मेरे आम तो पूरे स्वामी जी खा लें, मैं जो बना के लाई हूं तो स्वामी जी खा लें। पहले तो मैं अनजान व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाता, क्योंकि मैंने देखा हमारे जो गुरुजी थे महर्षि दयानंद, उनको 18 बार जहर दिया गया खाने में ही, इसलिए मैं सावधान रहता हूं। और इसी का कारण है कि एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। मैं इतना चौकन्ना रहता हूं, चौकस, सावधान, अलर्ट, एक बार भी मुझे कभी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। नहीं तो मैं देखता हूं आप में से कितनों को हो चुका होगा जी फूड पॉइजनिंग, नहीं हुआ? 2000 को तो हो रखा है, हाथ खड़े करो ना। 8-10 को इधर हो रखा है, तुमको कभी नहीं हुआ? इधर हो रखा है 2-4 को, तो तुमको कितनों को हुआ? कि हो जाता है कभी कभी, जरा सी असावधानी से, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा खाने से होता है, एक घूंट पानी पीने से भी हो सकता है यदि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है तो। इतना सावधान रहना पड़ता है, मैं पानी भी बहुत सोच समझ के पीता हूं, इसका मतलब कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं रखता, पीता ही नहीं इधर उधर से कुछ भी। आज तक मुझे एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, और मैं सोचता हूं मैं इसको आगे 100 साल तक निभाऊंगा, बाकी देखी जाएगी। इतना जागरूक रहता हूं खाने में, पीने में, पानी पीने में भी, दूध पीने में भी। एक दिन की बात है, मुझे आज से करीब 10 साल पहले, और दुर्घटना नहीं हुई कोई, उसके वो दूध जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से धोया नहीं उसने, जो गाय का ऊंद, तो कई बार उसको धोते नहीं तो उसमें गोबर गाबर लगा रहता है, तो उसमें धोकर के लिया है। तो मैं उसको पीते, मैंने कहा भाई इसमें दूध में तो बांस आ रही है। मैंने वो दूध पी लिया तो एक बार उससे दस्त हो गया, थोड़ा सा दूध पीने से ही, खाली 2-3 घूंट दूध पिया होगा, मैंने पिया ही नहीं फिर वो दूध, पता लग जाता है। तो इतना आपको जागरूक रहना पड़ता है, खाने में सावधानी, अनुशासन, पीने में अनुशासन। हाँ, बहुत अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं देखी मैंने, कोई कितनी बड़ी घटना हो जाए, कोई भी कितना ही बड़ा संकट आया हो, बस जल की तरंग की तरह निकल जाता है। कई बार बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़े बड़े प्रश्न, तो बस उसको ना टाल दो, बैक गियर लगाना आना चाहिए। तुम्हारे सामने कितनी बड़ा संकट, कितनी बड़ी चुनौती, कितना ही बड़ा अपमान, कितनी बड़ा संघर्ष, कितनी बड़ी प्रतिकूलता, कई बार घर में, परिवार में, संगठन में भी आ जाती है, तो थोड़ा सा बैक गियर लगा लिया करो। मैं बार बार एक बात कहता हूं ना, अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करो। क्या बोलता हूं बार बार? बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करो। ऐसी परिस्थितियां, और कई बार पता नहीं कौन से कर्माशय संस्कार होते होंगे, मनस्थिति भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब हमने अपनी मनस्थिति पर तो विजय पा ली है, हमारा मन अब हमें नहीं डिगाता कभी भी, उसके तो हमने चने से भून दिए, समझते हो ना? अब चने को भून दो तो उसमें अंकुर थोड़ी फूटता है। इसको बोलते हैं योगी का चित्त निर्बीज हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, फिर से बोलो। तो योगी का चित्त निर्बीज हो जाता है, उसके अंदर से फिर विकार उत्पन्न नहीं होते, लेकिन
बाहर की परिस्थिति को तो आप सबको ठीक नहीं कर सकते, दूसरे गड़बड़ कर देते, तो उस समय आप एकदम से ना अपने आप को विड्रॉ करना सीखें, आप एकदम से अपने स्वरूप में लौटाएं, एकदम से आपको स्मृति हो आए मैं योगी हूं, मुझे योग चेतना में जीना है, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, भागवत चेतना में जीना है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, योग का स्वभाव यह है सबसे बड़ा अनुशासन। कभी भी कोई भी बड़ी बात होती है, कितनी छोटी बात हो जाती है, ओछी बात हो जाती है, घटिया बात हो जाती है, हम आपको आंखों के सामने देखते हैं, हम अपने सामने, देखो मैं ये बातें खाली कह नहीं रहा हूं, इसको जीता हूं, करोड़ों करोड़ों का नुकसान मैं अपने आंखों से देखता हूं कई बार, फिर भी उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं करते कभी भी। अरे आज तो ये 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का नुकसान हो गया, अब नींद कैसे आएगी। मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा, स्वामी जी आप इतने गतिशील रहते हो, गति माने इतने ज्यादा कार्य, इतनी ज्यादा दिशाओं में पुरुषार्थ, इतनी गति, इतनी प्रगति, इतने कार्यों की बहुलता, और इतने बड़े बड़े लक्ष्य सामने, इतने बड़े बड़े प्रश्न, चुनौतियां, तो आप अपने फिर शाम को सोते हो तो अपने दिमाग पर ब्रेक कैसे लगाते हो कि संगठन का इतना बड़ा काम करना है, संस्था के इतने इतने बड़े बड़े काम करने, इतने बड़े बड़े आयोजन करने हैं। अभी पतंजलि जो है इस बार तो 10,561 करोड़ पर पहुंचा, और आने वाले 3 से 5 वर्षों के भीतर ये 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का ये दुनिया का सबसे बड़ा कोई स्वदेशी ब्रांड होगा, और उससे जो भी अर्जन होगा वो सब सेवा के लिए उसका विसर्जन होगा, 100% सेवा में लगेगा। इतने हजारों करोड़ के चैरिटी के काम, हजारों करोड़ रुपए के प्रोडक्शन के काम, और इतने हजारों लोगों का, लाखों लोगों का संगठन, इतनी संस्थाएं, ये सब करते हो तो रात को फिर ऐसा चिंतन नहीं चलता कि संगठन का क्या होगा, संस्था का क्या होगा, पतंजलि का क्या होगा, गुरुकुलम का क्या होगा, विश्वविद्यालय का क्या होगा, इस आयोजन का क्या होगा, ये इस तरह के सामाजिक कार्य चल रहे हैं उनका क्या होगा, इस तरह के कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी संबंध है उसका, ये बहुत तरह के, हम तो सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब प्रकार के कार्यों में एक संतुलन बना के चलते हैं। संतुलन ही जीवन है, मैं बोलता हूं, समग्रता, संतुलन, मर्यादा बना के रखते हैं। मैंने जीवन के बारे में जो कुछ बातें लिखी है ना, इसमें लिखा हुआ है संतुलन, समग्रता, संतुलन, समग्रता, मर्यादा, आचरण का एक संतुलित स्वरूप, एक अनुशासित स्वरूप यह जीवन है, यह लिखा हुआ है जीवन की परिभाषा में मैंने, और इसको जीता हूं मैं। यदि मैं एक दिन भी अपने आप को ढीला छोड़ दूं ना, तो पता नहीं कहां से कहां पटक देगा, अनंत फल मिलता है अपना, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जैसे हमारी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस जैसे होते हैं, उसको अनंत फल मिलता है, इसको मैंने लाइफ में अनुभव किया। तो एक बात आपसे कह रहा था, 100% अनुशासित जीवन, तो अनुशासित जीवन में बड़ी बातें हैं, सोना, जागना, योगाभ्यास, खाना पीना, फिर 100% अनुशासित विचार आने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी विचार आपके आके भीतर घुस जाए, कोई भी भावना भीतर आके घुस जाए, कुछ भी आपको, कोई भी ऐसा प्रवाह उठ जाए और उस प्रवाह में आप कुछ भी कर बैठे, और फिर बाद में क्या करें जी, क्या है करें जी, भूल होगी, ऐसे कैसे होगी भाई, नहीं, मेरी मर्जी के बिना मेरे चित्त में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में कोई एक विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, मैं वहीं ब्रेक लगाता हूं। परोपे ही मनस्पाप है किमत सस्तानी संससी, ए मन के पाप हट, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है, और मैं इसका अभ्यास बचपन से करता हूं। ये मात्र संगठन की बात नहीं है, ऐसे ब्रेक लगानी पड़ती है, नहीं तो साफ पता नहीं कहां से कहां प्रलय हो जाए। अब इतना बड़ा संस्था है, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन, मैं एक शब्द बोल दूं, होगी बात खत्म। अब आप सब लोग यहां पर बैठे हुए हो,
मैं एक शब्द बोल दूं, खाली एक शब्द, अभी भी नहीं बोलूंगा, उदाहरण के लिए भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा बोल दूं तो ऐसा हो जाएगा। क्यों बोलूं भाई? मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में है, मैं अपनी वाणी का मालिक हूं, स्वामी हूं, स्वामी रामदेव हूं। मैं स्वामी हूं अपने मस्तिष्क का, अपनी आंखों का, अपनी दृष्टि का, अपनी वाणी का, अपने खान पान का, अपने व्यवहार का, अपने शरीर का, अपने कर्मेंद्रियों का, पाणी पाद पाय उपास वाक। मेरी मर्जी के बिना मेरे हाथ चल पड़े, मेरे पैर चल पड़े, मेरी जुबान चल पड़े, मेरी मर्जी के बिना ये पांचों इंद्रियां भी ऐसे ही हो रही है साहब। पाणी पाद पाय उपास वाक, ये पांच इंद्रियों के ऐसे गलत अभ्यास हो जाते हैं अपने आप ही, फिर ना आदमी पता नहीं उल्टा पुल्टा करता रहता है। हाथ किधर को चल रहे हैं, पैर किधर को चल रहे हैं, पायु उपस्थ के चक्कर में तो सारी दुनिया खराब हो रखी है वाणी के कारण से। ये कर्म इंद्रियों के दोष भी बड़े गहरे हैं। यदि एक भी इंद्रिय को ढीला छोड़ा, गए काम से, फिर उद्धार नहीं है, अनंत फल मिलेगा उसका। अपने शरीर पर अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन, अपने इंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपने मन पर अनुशासन, यदि नहीं होगा ना फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे सुबह योग का शिविर लेना है तो लेना है। मैं तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, अभी अब दाताई तो बढ़ते जाते हैं तो ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी मैं 3 बजे पहुंचता हूं, ऐसे अपरिहार्य कार्य आ जाते हैं। पता लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है देश का या दुनिया का, उसके साथ कोई मीटिंग है, रात को मुझे 12 बज गए, वापस आते आते हरिद्वार में 3 बज गए, तो भी मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। 3 बजे सोया, 5 बजे उठ गया, तो कभी कभी अभी 2-4 बार ऐसा हुआ है कि फिर मैं प्रारंभ में योगासन आदि कराने के लिए किसी को लगा दिया, फिर अपने शिविर में आता हूं। एक दिन भी मैं अपने कार्य से, अपने स्वधर्म से, अपनी सेवा से उससे विचलित नहीं होता हूं। और ऐसा ही पुरुषार्थ मैं आप सब भाई बहनों के बीच में देखना चाहता हूं। ऐसा ऐसा आपको जीवन बनाना पड़ेगा, अनुशासित जीवन। मेरे संकल्प से मुझे कोई डिगा नहीं सकता, इसी को मैं 2 शब्दों में बार बार कहता हूं, विकल्प रहित। ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं यदि इसके बारे में बात करूं तो कई घंटे बीत जाएंगे। विकल्प रहित संकल्प, और दूसरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस मैं ये करना है, ऐसे क्यों करना है, ऐसे ही महापुरुषों ने किया। आज तो मेरा ये स्वभाव बन गया है अध्यात्म, आज योग मेरा स्वभाव बन गया, कर्मयोग मेरा स्वभाव बन गया, अध्यात्म मेरा स्वभाव बन गया है, पुरुषार्थ मेरा स्वभाव बन गया है, सेवा मेरा स्वभाव बन गया है, सात्विकता मेरा स्वभाव बन गया। लेकिन इससे पहले मुझे पता है हजारों बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगता था मैं क्यों कर रहा हूं। कभी एक बार एक क्षण के लिए ऐसा प्रश्न उठा, फिर एक अगले क्षण उसका उत्तर अपने आप मिल जाता था। ऐसा ही मेरे पूर्वजों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। फिर मैं सृष्टि को देखता था, सूर्य अपना काम कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है, भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया सब अपना अपना प्रयोजन पूरा कर रहे हैं। अब पेड़ों से पूछो तुम इतना फल क्यों देते हो, तुम्हारे फल तो आतंकवादी भी खा जाते हैं, नक्सलवादी भी खा जाते हैं, तुम्हारे फल तो ओसामा बिन लादेन भी खा जाता है, बगदादी भी खा जाता है। सुनो भाई, कभी भी ऐसे पागल लोग भी भगवान की सृष्टि का कितना दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि भगवान के इस संसार में पेड़ पौधों ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी है कि भाई कोई भी खाए, भाई हम तो फल देने के लिए आए हैं। मुझे भी पता है कि पतंजलि के इस फलदार वृक्ष के कुछ फल कुछ बुरे लोग भी खाएंगे, अरे तो भी भगवान की सृष्टि में हो रहा है ना, होने दो, अच्छे लोग भी तो खाएंगे, चलो क्या परेशानी। तो मेरे मन में भी कभी कभी आ जाता था तू क्यों कर रहा है ये सब, और मेरे मन में तो बहुत कमाता था, दूसरे ज्यादा करते थे ये कार्यक्रम,
स्वामी जी अभी भी बोलते आपको कुछ नहीं चाहिए, जमीन पर सोते हो, ये दो ऐसे ही ऊपर नीचे दो धोती सी पहनते हो, ना कोई बैंक बैलेंस चाहिए, ना को आपको कोई संपत्ति चाहिए, फिर ये इतना बखेड़ा क्यों कर रखा है। तो मैंने एक ही बात सोची कि भाई जो कुछ मुझे भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान की दिव्य प्रेरणा, भगवान का दिया हुआ पुरुषार्थ सामर्थ्य, उसको भगवान की सेवा में लगाते जाना है, समझ में आए या ना आए करते रहो। हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आती। जब आंदोलन चल रहा था तब 99% जो बड़े लोग कहे जाते हैं सब मुझसे कहते थे बाबा जी अब आप नहीं बच सकते। मैंने कहा मैंने वेद मंत्र पढ़ा है अहम इंद्रौ न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। यदि भगवान सत्य है तो भगवान का विधान वेद सत्य है, और भगवान सत्य और वेद सत्य है तो स्वामी रामदेव कभी पराजित नहीं हो सकता। ये मुझे कहना पड़ता था उन अपने आत्मीय लोगों से, अपने हितैषी लोगों से जो बड़े लोग थे। और आप लोगों को तो मैं रोज उठा उठा के उठो कुछ कहते थे स्वामी जी कहां फेंक दिया, अब इसका अंत कहां होगा, मेरे का लगे रहो अच्छा ही होगा। ये तो एक चरण है भैया जीवन का। और मैं एक बात आपसे कहता हूं, जो हम करते हैं वो अनंत गुणा होकर के हमें मिलता है, शुभ भी और अशुभ भी, इसलिए क्यों परेशान होना। तो एक बात मैं आपसे कह रहा था, अनुशासित जीवन जियो। अनुशासित सबसे पहला अनुशासन है तप। क्या है सबसे पहला अनुशासन, बोलो जोर से बोलो। और सबसे बड़ा तप क्या है, प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम ध्यान, ये सबसे बड़ा तप है। फिर है तप तपो द्वंद्व सहनम, अनुकूलता प्रतिकूलताओं को सहना सीखो। फिर शरीर का तप कर्म, फिर वाणी का तप सत्य, आहार का तप उपवास मिताहार, सब प्रकार का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप जितेंद्रियता, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप शम दम उपरति शिक्षा श्रद्धा समाधान, ये मन का तप है। तप करना है सबको, तपस्वी बनना है, किसी भी प्रकार का तप हो तप का स्वागत किया करो। जितना तप करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में पुण्य उत्पन्न होगा, ये पक्की बात है, और योग सिद्ध होगा तुम्हारा। ना तपस्वी रह योग सिद्ध्यति, ये आप्त पुरुषों का वचन महर्षि वेद व्यास जी का। तप करो, घर में तप करो, पति कितने ही बेकार हैं तो भी तप करो, शराबी कबाबी है तो भी तप करो, पति दुराचारी व्यभिचारी हो गया तो भी तप करो, अपना संयम मत छोड़ो। यदि बहुत ही उद्दंड पति भी हो गया है, पति ने पत्नी ने कई बार पत्नी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो भी तप करो, अपने धर्म से मत डिगो। और मैंने देखा जिन्होंने ऐसा तप किया उन पत्नियों ने अपने घर को उजाड़ने से बचा लिया, अपने पति को सही रास्ते पर लगा दिया। और इसके सबसे बड़े दो उदाहरण हैं स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी। स्वामी सोमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि मैं जो कुछ हूं मातृशक्ति की वजह से हूं। माताएं उभारती हैं भाई, उभारो, सहारा दो किसी को भाई। पति बिगड़ गया तो भी उसको उभारो, पत्नी बिगड़ गई है तो भी उभारो, बच्चे बिगड़ गए तो भी उभारो, शिष्यों ने भी गलतियां कर दी तो भी उनको उभारो, एक बार दो बार तीन बार। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार गलती करो कि हमारे गुरु तो उभार ही देंगे हमको, ऐसा नहीं बनना। उससे मन में पीड़ा होती है गुरुओं को भी, जब कोई बार बार शिष्य गलतियां करते हैं तब गुरु को भी पीड़ा होती है। गुरु को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन गुरु का एक ही कार्य है, बड़ों का एक ही कार्य है, उनके हृदय में अत्यंत करुणा होती है, अत्यंत करुणा होती है, मैत्री करुणा मुदिता, यही ये उपेक्षा वाली बात। तो जब कोई बहुत ही अति हो जाती है ना तब वो अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो योगी साधु गुरु महात्मा बड़े वो ऐसा करते हैं। तप करो, घर में तप, व्यापार में तप, व्यवहार में तप, खेती में तप, नौकरी में तप, दुकान में तप, घर में तप, सेवा में तप, जहां हो वहां तप करो, तप करो, तप करो, तप करो, क्या है इसमें।
लोग हमेशा अनुकूलता ही ढूंढते रहते हैं। आज मैं चाहूं तो इस दुनिया का सारा भोग और ऐश्वर्य भोग सकता हूं, लेकिन कभी मेरे मन में स्वप्न में भी नहीं आता। जैसे मैं अभी अभी कितनी भयंकर गर्मी होती है तो भी मैं एसी नहीं चलाता, जानबूझ के नहीं चलाता। क्यों शरीर को खराब करें भाई? प्रकृति के साथ तादात्म्य भाव से जिए, क्या दिक्कत है? ठंड में भी मैं ऐसे ही जीता रहता हूं। थोड़ा आयु के साथ साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। पहले हम बिल्कुल नंगे रहते थे, एक लंगोटी पहनते थे और बस थोड़ा सा एक कच जो है तौलिए जैसा पहन लिया करते, तो फिर हमने अब थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मोटा कपड़ा पहन लेते, बस इतना परिवर्तन हो गया। थोड़े जब बुढ़े हो जाएंगे तब थोड़ा लोई लोई पहन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पांच पांच दस दस कपड़े पहन करके घूम रहे हैं सर्दी में और गर्मी में। अजी हमें तो बहुत गर्मी लग रही है, तो ऐसे ऐसे करते रहते। मैंने देखा, अरे क्या, अरे गर्मी है तो सहन ले, क्या दिक्कत हो रही है? ये सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब भी तो आनंद कर रहे हैं, तो भी आनंद कर, तप करो और दूसरा व्रत ले लो। सब अभी आपको ये दिया गया है ना, आप और कुछ नहीं है तो इसको जेब में रखा करो। रोज कम से कम 10 मिनट स्वाध्याय किया करो, 10 मिनट इसी को पढ़ लेना। इसी में जो बातें लिख रखी हैं, जीवन की क्या महिमा है, सेवा की क्या महिमा है, पुरुषार्थ की क्या महिमा है, मनुष्य जीवन की क्या महिमा है, अशुभ से बचने के क्या उपाय हैं, दिव्य जीवन जीने का क्या उपाय है, कर्तव्य की क्या महिमा है, व्रत की क्या महिमा है, बस एक दो लाइन भी पढ़ और उसके ऊपर थोड़ी देर विचार। रोज स्वाध्याय करो। मैं मानता हूं जो रोज स्वाध्याय करेगा, आप तो पुरुषों के वचनों का अध्ययन करेगा, थोड़ा सा आत्मचिंतन करेगा, वो एक दिन ना एक दिन ऋषि बनकर के रहेगा। कोई नहीं रोक सकता उसका रास्ता। स्वाध्याय बहुत बड़ी साधना है।